डाल रही जितनी हमें जरूरत है, नहीं मिक्स हो रही, तेज इटीज पड़ी हुई पानी के अंदर, और हाफ फेस पे लगा के इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ आपको। देखो करीब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। इंट्रो से आपको आइडिया हो गया होगा आज की वीडियो है FV के इस वायरल फाउंडेशन के ऊपर। मेरे हाथ में है फाउंडेशन, दराज से मैंने ऑर्डर किया था और ये आया है 3450, और ये चाइना से आया था। इसका जो सेंडर है वो है या पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं अपना नाम दिखाती हूँ, अपना एड्रेस छुपा के थे। इसका नाम है या पता नहीं या जो भी नाम है, और ये मुझे पूरे 1.5 महीने बाद रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर के मुझे 1.5 मंथ हो गया है। इसके ऊपर पैसे लिखे हुए 3450, लेकिन राइडर ने जो है वो मुझसे 3700 रुपये लिए थे, शायद चाइना का था तो कोई कस्टम वगैरह पड़ा होगा या कुछ भी। तो अब इसको खोलती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मुझे इतने छोटे से पैक में रिसीव हुआ था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था यार 3700 रुपये का ये क्या दिया है इन्होंने मुझे। फिर मैंने अंदर से खोला तो यही वाला फाउंडेशन था जो मुझे चाहिए था, FV का, जो कि इतना वायरल फाउंडेशन है। ये मुश्किल से ढूंढा था क्योंकि इसकी वीडियोस देख देख के भाई मैं पागल हो गई थी। पागल मतलब इसको काटते हैं, गिलास में घोलते हैं और फिर लगाते हैं, एक नहीं गायब, सब कुछ गायब। बारिश में नहाओ, शावर के नीचे नहाओ, जहां दिल करता है नहाओ, फाउंडेशन नहीं हटेगी। आपके जितने मर्जी दाने हो, स्कार्स हो, पिगमेंटेशन हो स्किन पे, इस फाउंडेशन को लगाओ और स्किन जो है आपकी स्मूथ हो जाती है, वाटर प्रूफ हो जाती है। इस फाउंडेशन के अंदर लकीली शेड अवेलेबल थे, तो मेरा शेड नेचुरल है तो मैंने इसके अंदर नेचुरल शेड मंगवाया था, नेचुरल बेज शेड मंगवाया था मैंने अपना। बाकी इसके अंदर आइवरी, फेयर्स, हरे शेड्स अवेलेबल है। चाइना से आएगा ये 3700 रुपये का। चलो अब देखते हैं जिस तरीके से ये वीडियोस वायरल है तो क्या ये प्रोडक्ट वाकई में वर्क करता है कि नहीं करता। डब्बा फेंक दूं। ओके सबसे पहले मैं इसको यहां से खोल रही हूं। मतलब ये फाउंडेशन ऐसा वायरल है जैसे हमारा वो ग्रीन मास्क वायरल था और हमने उसका पोस्टमार्टम किया था कि ये वर्क भी करता है कि नहीं करता। तो लेट्स सी कि वर्क करता है कि नहीं करता। तो रेड कलर का ये इसकी पैकिंग है और ये फेमस भी इसी नेम से है, FV रेड फाउंडेशन, FV वायरल फाउंडेशन और नोवा जैपनीज रेड वायरल फाउंडेशन, इस तरह करके ये फेमस है। मैं साइड पर वीडियो चलाऊंगी सारी जो मैंने देखी थी और जिनको देख के मैं इस पर लुट गई थी, डुल गई थी मैं इसके ऊपर कि मैंने ये लेना ही लेना है। तो मैं इसका रिपोर्ट आ रहा आप लोगों के सामने, खोलने लगी हूँ मैं इसको। ओ ये क्या था, व्हाट द हेल, ढक्कन भी सही से बंद नहीं करा जिसने भेजा है। अंदर और कुछ भी नहीं है इसके, कोई मैनुअल वगैरह और कोई चीज नहीं है, स्पंज भी नहीं है इसके साथ। फाउंडेशन जो है वो मैंने साफ कर लिया है, आप देखें इसकी पैकिंग कुछ तरीके से है। ये इसका ढक्कन, इतनी छोटी सी ट्यूब है मेरे हाथ के जितनी, बिल्कुल छोटी सी ट्यूब है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 30 ग्राम की, ठीक है, और ये 30 ग्राम की ट्यूब मुझे 3700 रुपये की मिली है। ऐसे यहाँ पे इसका एप्लीकेटर है और इसको आप ऐसे निकाल के यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम इसको हाथ पे यूज करेंगे, उसके बाद फेस पे यूज करेंगे। पानी भी डालूंगी इसके ऊपर स्पंज से, जो है मैं इसको ब्लेंड करने लगी हूँ हाथ के ऊपर। तो ब्लेंडिंग तो इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये देखें, वाओ क्या ब्लेंडिंग है। तो ये देखें जी, अच्छे से फाउंडेशन जो है वो सारी ब्लेंड हो गई है, इवन नकल्स पे भी ब्लेंड हो गई है और कहीं से ग्रे नहीं हुई, आपको भी नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने पेल शेड में मंगवाई थी और नेचुरल शेड में मंगवाई थी कि पता ना चले कि आपने कोई चीज लगाई हुई है। नीचे से मेरा अपना हाथ है और यहाँ तक जो फाउंडेशन लगी हुई है, ये देखें, अभी हमने कुछ पाउडर वाउडर कुछ भी नहीं लगाया इसके ऊपर। मतलब 3700 रुपये बच जाएंगे मेरे, लेकिन फेस पे और हाथों पर रिजल्ट डिफरेंट होता है। ओह माय गॉड, कहीं सेव रिप्लेस नहीं हो रही है, ये देखें। बिल्कुल पक्की चिपक गई ये फाउंडेशन, इसका मतलब मेकअप रिमूवर के बगैर ये फाउंडेशन उतरेगी नहीं। ये देखिए जी, छोटे गिलास में हमने पानी डाल लिया है, अब इसके अंदर मैं फाउंडेशन डालूंगी। वो लोग तो काट के पूरी फाउंडेशन डाल देते हैं पर मेरे इतने हराम के पैसे नहीं है, तो मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ जितनी हमें जरूरत है, और मैं इसको पानी में घोल के देखूंगी कि मिक्स हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं मिक्स हो रही, एज इट इज पानी में घूम रही, आपको नजर आ रहा होगा। देखें तो हम फेस पे लगाते हैं, ये देखें एज इट इज पड़ी हुई पानी के अंदर, और हाफ फेस पे लगा के इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको रिजल्ट समझ में आए कि इसका रिजल्ट कैसा है। और अगर वकास ने वीडियो देख ली ना, उन्होंने इन गिलासों में कभी जिंदगी में पानी नहीं पीना हो कहेंगे, तो इतना गंद मचाती हूँ खाने की चीज़ों के साथ। मैंने ना इसलिए लाइनर और लेशेस पहले लगा ली थी ताकि पता चले कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो देखें कि आपको ग्रे लग रही है कहीं से, अच्छा इससे पिगमेंटेशन इतने अच्छे से कवर नहीं किए हैं जैसे
एक ये निशान है ना, इसको कवर नहीं किया इतने अच्छे से। देखें आपको क्या लग रहा है, देखें ये इसके हाफ स्किन पर रिजल्ट है और ये हाफ स्किन पर रिजल्ट है। तो भाई तो फाउंडेशन को लगे एक घंटा हो चुका है, मैंने अपना लाइनर जो खराब हो गया था वो सही किया और लिपस्टिक सही की है, और अब आप देख लें अभी तक भी ये एज इट इज ही है। हमने फेस पे इसका वाटरप्रूफ टेस्ट करना है, पहले मैं स्प्रे से करूंगी फिर शावर के नीचे खड़वे करेंगे। टिशू भी गीले हो गए मेरे तो, पानी इतना छिड़का है मैंने। ये देखें इन्होंने टिशू लगाया, टिशू लगा के मैं तो थप्पड़ मारूंगी जैसे वो मारते थे। हाँ मेरा तो मुंह लाल हो गया थप्पड़ों से। अब देखते हैं कि ये कुछ आई है टिशू के ऊपर कि नहीं। नो 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 नो, नहीं उतर रही भाई, वाटर प्रूफ है ये तो। अभी जो है मैं शावर के नीचे इसका टेस्ट करने लगी हूँ। आप देखिए मैंने फुल शावर खोला हुआ है, पानी कितनी स्पीड से फेस के ऊपर जा रहा है, पर फिर भी फाउंडेशन रिप्लेस नहीं हो रही। लेकिन ये फाउंडेशन जो है ना आपकी पिगमेंटेशन को कवर नहीं करती है, ऑयली जगह जहाँ भी होगी वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है, स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है, पर एक्सपेंसिव बहुत है। 3700 रुपये में सिर्फ 30 ग्राम फाउंडेशन मिलती है, और वाटर प्रूफ फाउंडेशन है तो सिर्फ आप इसको किसी इवेंट पर यूज़ कर सकते हो, शादी वगैरह पर रेगुलर में यूज़ नहीं कर सकते वरना आपकी स्किन का सत्यानाश हो जाएगा। तस्वीर ने इतना घोला है कि ये मिक्स हो जाए, पर ये नहीं मिक्स हुई। तस्वीर को भी थोड़ी सी लगा रही हूँ, हाफ फेस पे लगा के दिखाती हूँ तस्वीर के फेस पे कैसा रिजल्ट है। वाह बिल्कुल नेचुरल लग रही है आपके फेस के ऊपर, पता नहीं चल रहा कहीं से भी लगी हुई है ना। अब देखते हैं आपके फेस पे से हट रही है कि नहीं हट रही। आपके फेस पे से हट रही है लेकिन, क्योंकि आपकी बेबी स्किन है ना। मैंने हाथों पे भी लगाया था फिर भी हाथ हट गई थी ना आपकी स्किन। हाँ। आपको कुछ तेल में कुछ लगा, मुंह धोया नहीं था आपने? मुंह धोया था मैंने, फिर तेल लगा दिया बालों में। शायद ऑयल के ऊपर नहीं ठहर रही, ऑयल आया होगा आपके फेस के ऊपर। ये देखो तस्वीर के फेस से हट रही है, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन पे पक्की चिपक गई है। हाथ पे जो है ना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसे मैंने सुनीसा को टेस्ट किया था हाथ के ऊपर, सुनीसा का रिजल्ट भी हाथ पे बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। इसका रिजल्ट ना हाथ पे बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू फेस। फेस पे अपना ज़्यादा होगा अभी भी ना, हल्के हल्के से जहाँ पे दान नहीं बना हुआ या कोई निशान बना हुआ तो वो निकलना शुरू हो रहा है, वो नज़र आ रहा है। और नोज़ पे तो ये मेरे ठहर नहीं रही, क्योंकि नोज़ पे जो है वो मेरे ऑयल आता है। ये देखें नोज से जो है ना ये रिप्लेस हो रही है, जहाँ पे मुझे ऑयल आता है मेरी नोज ऑयली है। और तस्वीर के फेस के ऊपर ऑयल लगा हुआ था तो तस्वीर की स्किन से भी रिप्लेस हो रही थी। वाटर प्रूफ फाउंडेशन होती है ना, इसको आप रेगुलर रूटीन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पोर्स को बंद कर देती है, आपकी स्किन सांस नहीं ले पाती, और जिससे आपके फेस पे बाद में ब्रेकआउट होता है, बम्स बनते हैं और दाने बनते हैं। तो मैं इसीलिए वाटर प्रूफ फाउंडेशन रेगुलर यूज के लिए रिकमेंड ही नहीं करती, स्किन पे बम्प बना देता है वो, तो मैं इसको दोबारा यूज नहीं करूंगी। आपकी मर्जी, आप लोग बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करती जिससे आपकी स्किन खराब हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज। रिव्यू के चक्कर में मैंने पूरा गीला कर लिया खुद को, लाइनर फेल गया मेरा लेकिन फाउंडेशन को कुछ नहीं हुआ। ये देखें फाउंडेशन एज इट इज ही है अभी तक भी, हल्की सी नोज के पास रिप्लेस हो गई है, ऑयली स्किन के ऊपर वर्क नहीं करेगी ये फाउंडेशन। जिसकी भी स्किन ऑयली है देखें आपको नोज से रिप्लेस हो रही है, आपको नज़र भी आ रही होगी रिप्लेस होती। जिसकी स्किन ऑयली है ना उसकी स्किन पर नहीं ठहरेगी, वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। मैं तस्वीर की स्किन पर दिखाती हूँ, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया लगा, ऑयल था वहाँ से हाथ से रिमूव हो गई है, तो नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। तस्वीर की स्किन से भी नोज से रिलीज हो गई है, चिन से रिलीज हो गई है, अपर लिप से रिलीज हो गई है, क्योंकि तस्वीर ने सर पर लगाया हुआ था ऑयल और सारा ऑयल आया था इसके फेस के ऊपर। इसका मतलब कि ऑयली स्किन पे ये फाउंडेशन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, है ना तस्वीर? सारे जो वायरल होते हैं ना सही नहीं होते, सही नहीं होते, बच्ची को भी पता है।